This is the last video of this chapter, Feeling Around with Eyes Shut. In this video, you learned about how our sense organ works and our different senses, like our sense of sight, our sense of hearing, our sense of a smell, our sense of touch, difference between good touch and bad touch. Now, we should also know that how taking care of our sense organs, हमें अपने सेंस ऑर्गन्स को कैसे उनकी प्रिवेंशन करके रखना चाहिए, कैसे उनकी केयर करनी चाहिए. फर्स्ट थिंग, वी शुड नॉट यूज़ लाइट्स दैट आर टू ब्राइट, इट मे डैमेज अवर आइज. हमें उन लाइट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जो बहुत ब्राइट होती हैं, बिकॉज वो डैमेज कर सकती हैं हमारे आइज के लिए. सेकेंड थिंग, वी शुड नॉट ब्रिंग शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नियर अवर आइज. कोई भी बहुत ही शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा आँखों के पास नहीं लाना चाहिए, इट कैन बी हार्मफुल. थर्ड थिंग, वी शुड नॉट ब्रिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक परफ्यूम्स और इंसेक्ट रेपेलेंट्स क्लोज टू अवर फेस वाइल ओपनिंग देम. जब भी हम कोई परफ्यूम ओपन करते हैं या इंसेक्ट रेपेलेंट्स जैसे कि मॉर्टिन, हिट, इस टाइप की चीज़ें जब इन्हें ओपन करते हैं, तो इन्हें अपनी आँखों से और अपने फेस से सभी से दूर रखना चाहिए. और इसका कभी भी जो ओपनर होता है वो अपने फेस के तरफ नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपोजिट साइड में रखना चाहिए. वी शुड नॉट वॉच टीवी और प्ले कंप्यूटर और मोबाइल गेम्स फॉर टू लॉन्ग. हमें अपनी आँखों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, हमें बहुत टाइम तक टीवी नहीं देखनी चाहिए कंटिन्यू, कंप्यूटर पर गेम्स नहीं खेलना चाहिए, मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा. वी शुड यूज़ अ पॉट होल्डर वाइल हैंडलिंग वेरी हॉट ऑब्जेक्ट्स. जब भी हम किचन में कहीं भी कुछ काम कर रहे होते हैं और हमें किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना होता है, तो वी शुड यूज़ अ पॉट होल्डर. लाउड नॉइसेस में डैमेज अवर ईयर्स. बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाने नहीं सुनने चाहिए या लाउड नॉइसेस से थोड़ा दूर रहना चाहिए, बिकॉज ये हमारे ईयर्स को डैमेज कर सकते हैं. वी शुड अवॉइड लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक एंड बर्स्टिंग क्रैकर्स. और हमें क्रैकर्स से भी दूर रहना चाहिए, क्रैकर्स कैन हार्मफुल फॉर अवर आइज, अवर ईयर्स एंड अवर स्किन. सो क्रैकर्स से हमें हमेशा थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना चाहिए. नेक्स्ट थिंग्स, डिफरेंटली एबल पीपल. इन डिफरेंटली एबल पीपल, वन और मोर सेंस ऑर्गन्स मे नॉट वर्क प्रॉपरली. आपके जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं वो होते हैं जिनका कोई भी सेंस ऑर्गन एक या दो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ों को प्रॉपरली करने में एबल नहीं होते हैं. पीपल हु कैन नॉट सी कैन रीड बुक्स रिटन इन द ब्रेल स्क्रिप्ट. बट जो लोग देखने में एबल नहीं है, जो नहीं देख सकते हैं, वो आर ब्लाइंड, वो बुक को रीड कर सकते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू. इट इज़ वॉट इट इज़ अ ब्रेल इज़ अ सिस्टम ऑफ रेज डॉट्स. ये पेपर पे डॉट्स रेज किए जाते हैं. वाइल रीडिंग ब्रेल द पर्सन यूजेस हिज हर सेंस ऑफ टच टू फील डॉट्स. जब आप कोई डिफरेंटली एबल पीपल लाइक ब्लाइंड पर्सन जब किसी चीज़ को नहीं पढ़ पाता है, तो ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू वो उस चीज़ को टच करता है और अपनी सेंस ऑफ टच से वो डॉट्स को फील करता है, एंड नाउ इस तरीके से वो पढ़ सकता है. पीपल हु कैन नॉट हियर और टॉक यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. जो लोग सुन नहीं सकते हैं या बात नहीं कर सकते हैं, वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में. हियरिंग एड्स कैन हेल्प विद हियरिंग प्रॉब्लम्स. आपके जो हियरिंग एड्स होते हैं ये हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं. इससे आपकी जो हियरिंग प्रॉब्लम होती है उसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो. अ नंबर ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन टू हेल्प द डिफरेंटली एबल्ड पीपल. बहुत सारे स्टेप्स ले रही है हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो साइंस है मॉडर्न एरा, उसमें हम बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हो रहे हैं जिससे डिफरेंटली एबल्ड पीपल को हेल्प मिल रही है. दीज डे वी हैव कंप्यूटर, हमारी टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रही है. इट कैन रिकग्नाइज द वॉइस ऑफ पीपल एंड कन्वर्ट देयर स्पीच टू टेक्स्ट. मान लीजिए आप देख नहीं सकते हो और आप कुछ चाह रहे हो टाइप करना, तो आप जस्ट आपकी वॉइस सुनकर ही कंप्यूटर जो है उसे स्पीच में आपके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है. दिस इज़ अ ग्रेट हेल्प टू पीपल हु कैन नॉट सी. मोस्ट ऑफ मूवीज़ एंड टेलीविज़न शोज हैव सब टाइटल्स. बहुत सारे लोग होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, तो आप देखते होंगे कि मूवीज़ और टेलीविजन्स में नीचे सब टाइटल्स आते रहते हैं, विच हेल्प पीपल विद हियरिंग प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड द शो. तो जो लोग नहीं सुन सकते हैं वो उस शो को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब टाइटल्स.